तो हरियाणा का नूह जामताड़ा पार्ट टू कैसे बन रहा है, इसी पर पूरी रिपोर्ट आपने देखी। देखिए ये डिजिटल अरेस्ट कैसे करते हैं, ये पूरा प्लान किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, कैसे लोगों को कंगाल बनाया जाता है, इसी पर एक डेप्थ रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है ये भी बताते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपको फ्रॉड अरेस्ट से बचा सकती है। साइबर अपराध का नया तरीका, साइबर ठग FIR या अरेस्ट वारंट की जाली कॉपी भेजते हैं, CBI या पुलिस के अफसर बनकर बात करते हैं, स्काइप के जरिए लोगों पर दबाव बनाते हैं, स्काइप कॉल काटने पर जेल भेजने का डरावा देते हैं, ऐसा दबाव बनाते हैं कि पीड़ित घर से बाहर निकलता ही नहीं। मंगला परिवार की बेटी आखिर साइबर ठगों के जाल से बाहर कैसे निकली, उस रोज क्या हुआ जिसने अनन्या के पैरों में पड़ी डिजिटल अरेस्ट की बेड़ियां तोड़ दी। 28 तारीख को सवेरे ये टॉयलेट में थी और वो काफी देर तक आवाज नहीं आई होगी, तो उन्होंने अनन्या दो बार या तीन बार चिल्लाया, वो वहां से तो वो घबराया या क्या किया, वो लॉग आउट हो गया पहली बार खुद ही है, और आधे घंटे बाद उसने कहा कि आप ना आपको बेल मिल गई, नाउ यू आर फ्री। मंगला परिवार ने फरीदाबाद साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस को शक है कि ठगी का पूरा खेल हरियाणा के नूह से ही खेला गया। जामताड़ा से भी खतरनाक हरियाणा का नूह, ये हरियाणा राजस्थान बॉर्डर की आखिरी चौकी है, चप्पे चप्पे पर चेतावनी चस्पा है। मेवात का ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होते हैं और इसी इलाके से होते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बकायदा पुलिस ने यहां पर बैरिकेड पर मैसेज भी लिखवाया हुआ है, OLX फेसबुक मैसेंजर, ऑनलाइन ठगी व टटलूबाजों से सावधान। ठगी के धंधे में ज्यादातर नौजवान शामिल हैं जो पढ़े लिखे हैं और शातिर भी। मेवात के गाँव साइबर ठगी के लिए बदनाम है। ये इस्माइल खान है, मेवात के इसी छोटे से गांव के सरपंच है। इस्माइल ठगी के गोरख धंधे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इन्होंने साइबर क्राइम पर चौंकाने वाली बातें बताई और समाधान का तरीका भी। वैसा जी, मैंने दो बार पंचायत जोड़ ली गांव में जी, पूरा गांव भिड़ा कर लियो अगर, और हमने यू तय कर ली कि जो भी कोई बाड़ा साइबर क्राइम करेगा वो आप हम 51 रुपये का दंड करेंगे। कोई धंधो जब है ही ना है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई बढ़िया कोई चीज ना है, तो अब ढाड़ो कोई थाली बाड़क रहे वहां तो काम में पड़ जावा। यानी झारखंड का जामताड़ा अब पुरानी बात है, ठगी का नया अड्डा हरियाणा का नूह बन चुका है। नूह के साइबर क्राइम हब बनने के पीछे एक वजह और है, और ये वजह ठगों का राह आसान करती है और पुलिस की चुनौतियों को कड़ा। दरअसल मेवात के रहने वाले ज्यादातर लोग ड्राइवर हैं और बहुत से ट्रक भी चलाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करते हैं और वहां से फर्जी दस्तावेज पर सिम खरीदते हैं और साइबर ठगों तक पहुंचाते हैं। इसमें जो भी साइबर फ्रॉडस्टर्स अरेस्ट हो रहे हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन के आधार पे जो उनको सिम प्रोवाइड कर रहे हैं उनके संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और जो कोई सिम प्रोवाइडर है और इसमें जो फ्रॉडस्टर्स को सिम प्रोवाइड कर रहा है बल्क में, तो उसको भी उस केस में अभियुक्त बना रहे हैं हम लोग। नू साइबर सेल में दिन रात मॉनिटरिंग हो रही है, साइबर सेल पर पैनी नजर भी रखी जा रही है, फिर भी पुलिस डाल है तो साइबर ठग पात पात। अगर आप ठगी की इन वारदातों से बचना चाहते हैं तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मोबाइल पर आए किसी भी लिंक पर सोच समझकर क्लिक करें। अगर कोई आपको फोन करता है और आपकी पर्सनल जानकारी यानी कि OTP या पासवर्ड मांगता है तो आप उसको बिल्कुल भी ये दोनों चीजें ना शेयर करें। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट पर अगर आप एक्टिव होते हैं तब उस समय सावधानी बरतें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको साइबर ठगों से बचा सकती हैं। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज नू। तो साइबर क्राइम का जाल किस तरीके से लगातार फैल रहा है, इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट आपने देखी जो आपको सावधान करती है साइबर ठगों से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।